नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश तक में। मैं हूं आपके साथ रीना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत में हलचल तेज हो गई है, साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। कुछ महीने पहले शुरू हुई लाडली बहना योजना को लेकर एक बार फिर घमासान शुरू हुआ है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही आशंका थी कि कांग्रेस लाडली बहनों के पैसे बंद करेगी, लेकिन मैं फिर भी पैसे डालूंगा। सीएम शिवराज कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। सीएम ने कहा, लाडली बहना योजना 1,32,00,000 बहनों का भाग्य है, खुशहाली है, जिंदगी है। पैसे डलेंगे तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? यह सही है कि चुनाव में कोई कार्यक्रम करके नहीं डाले जा सकते, लेकिन लाडली बहना के खाते में पैसे डलेंगे तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुमने कभी बहनों के लिए कुछ किया नहीं, तुमने बहनों से छीना ही है। सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि यह वही कांग्रेस थी जिसने कभी आदिवासी जननायकों को सम्मान नहीं दिया। टंट्या मामा हो, भीमा नायक हो, रघुनाथ शाह, शंकर शाह हो, रानी दुर्गावती हो, बिरसा भगवान हो, हम स्मारक बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ अपने नेताओं के एक खानदान के स्मारक बनाए हैं। कोई चलती हुई योजना बंद नहीं की जा सकती। लाडली बहना योजना 1,32,00,000 बहनों का भाग्य है, खुशहाली है, जिंदगी है। पैसे डलेंगे, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये बात सही है कि चुनाव में कोई कार्यक्रम करके नहीं डाले जा सकते, लेकिन लाडली बहना के खाते में पैसा डल रहा तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुमने कभी कुछ दिया नहीं, तुमने बहनों से छीना ही छीना। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए शिवराज सिंह ने कहा, कांग्रेस ने मेरी गरीब आदिवासी बहनें जो सबसे पिछड़ी जनजातियों में आती हैं, कहते हुए तकलीफ होती है कि इन्होंने बैगा भारिया सहरिया तीनों के खाते में हम 1,000 रुपए डालते थे और 2017 में कांग्रेस ने बैगा भारिया सहरिया बहनों के पैसे बंद करने का पाप किया है। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेश तक .com पर विजिट करें।